સેલવાસમાં આદિવાસી સમાજ ઉત્કર્ષ સંઘના અધ્યક્ષ અનિલ પટેલ દ્વારા મહિલા કિસાન સમિતિના રાષ્ટ્રીય સચિવ પદ પર નિયુક્ત થયેલા અંકિતાબેન પટેલ માટે અભિવાદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અભિવાદન સમારોહમાં સેલવાસના પૂર્વ ભાજપ અધ્યક્ષ સહિતના અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તહે દિલ સે ધન્યવાદ કરતી હું આદિવાસી સમાજ ઉત્કર્ષ સંઘ કે અધ્યક્ષ શ્રી અનિલભાઈ પટેલજી કા કે જિન્હોને મુજે સન્માનિત કરને કે લિયે ઇતને ભવ્ય કાર્યક્રમ કા આયોજન કિયા થા और जहाँ इतनी भारी मात्रा में मेरे जो किसान भाई बहन हैं हमारे प्रदेश के दादरा नगर हवेली के साथ ही नगर पालिका के वार्ड से मेरी जो अलग अलग बहनें हैं वो सभी आज भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित थे. तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे छोटे से प्रदेश दादरा नगर हवेली से मुझे ये जिम्मेदारी मिली है. भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में जो महिला किसान समिति का जो गठन किया गया है उसमें राष्ट्रीय सचिव का जो मुझे पद मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ. पूरा भारत देश में से फक्त 6 बहनों सिलेक्ट की है, उसमें एक अंकिता भी है. तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. और विकास के लिए ये विकास के पंथ पर हम क्यों नहीं निकले और मुझे आशा है, मुझे गौरव है कि अंकिता जो है ना ये जो पद मिला है वो पूरी मेहनत करके वो निभाएगी उसका पद. और उसको मैं मेरी बेटी होने से उसको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ये जो उसको